वेलकम पेरेंट्स। पेरेंट्स फीडिंग बॉटल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो स्टील की या प्लास्टिक की या ग्लास की बॉटल में बेबी को फीड कराएं। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहता है जो एवरी पेरेंट्स आस्क करते हैं इस समय। फ़िलहाल हम आज स्टील बॉटल की बात करेंगे। ये बट्स बडी की 3-in-1 स्टील बॉटल है। 3-in-1 कैसे है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। बट्स बडी की स्टील की बॉटल है। बॉटल पूरी तरह से BPA फ्री है, PVC फ्री है और एक अच्छे गुड लिक्विड सिलिकॉन, फूड ग्रेड सिलिकॉन के साथ इसके निप्पल्स को बनाया गया है। इस बॉटल को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं फीडिंग बॉटल में, ट्रेवल कंटेनर में और शिपर में। इसी कारण से इसको जो है 3-in-1 बोला गया है। इजीली आप इसको बॉटल में, सिपर में और ट्रेवल कंटेनर में एक ही बॉटल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, वो हम आगे देखेंगे। बॉटल को अनबॉक्स करते हैं, बॉटल देखते हैं कैसी है। 300 ml की ये बॉटल है पूरी। एक अच्छी गुड क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील इसमें यूज़ की गई है। कैप भी लूज़ नहीं है, टाइट है और एक अच्छे प्रिंट्स के साथ इसमें बट्स बडी लिखा हुआ है। कहीं भी इसमें मेज़रमेंट नहीं लिखा गया है। बहुत सारे पेरेंट्स का क्यूरीज होती है कि मेज़रमेंट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, बट इसमें मेज़रमेंट नहीं लिखा है। लेकिन ये 300 ml की बॉटल है जिसमें 3 ml+ टीथ, इसमें मीडियम फ्लो के लिए आता है टीथ। ये मीडियम फ्लो का टीथ है। इसे मेज़रमेंट कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ईज़िली टम्परेचर को ये नॉर्मलाइज़ कर लेती है। ये कोई थर्मो स्टील बॉटल नहीं है। प्लीज़ बी क्लियर कि ये थर्मो स्टील बॉटल नहीं है। कि अगर आप सोचें कि हमने इसमें गर्म मिल्क को डाला है, गर्म दूध को डाला है या ठंडे दूध को डाला है तो वो वैसा ही रहेगा। कुछ समय के बाद वो टम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मल टम्परेचर, रूम टम्परेचर पर आ जाएगा, क्योंकि ये थर्मो स्टील बॉटल नहीं है जो टम्परेचर को मेनटेन करेगी। अब देखते हैं कि ये 3-in-1 कैसे है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3-in बॉटल है। ये बॉटल एक निप्पल के साथ आप इसको एज ए बॉटल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको इसी के साथ एक स्पाउट कप के लिए टीथ अंदर ही अवेलेबल है। इसकी मदद से आप इसको एज ए स्पाउट कप भी यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा फंक्शन हो गया इसका। और तीसरा, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ईज़िली इसको एज ए ट्रेवल कंटेनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लीकेज फ्री है, एकदम बढ़िया टाइट से बंद हुआ है। मदर मिल्क को भी आप जो है, ब्रेस्ट मिल्क को भी आप इसमें ईज़िली कंटेन करके इसको फ्रोज़न कर सकते हैं। ये 3-in-1 जो इसका बेस्ट फीचर है इस बॉटल का, बहुत सारी बॉटल्स आपको 3-in-1 नहीं मिलेंगी। 2-in-1 या सिंगल ही फंक्शनलिटी उसमें होती है। इसकी और फंक्शनलिटी की बात करूं तो एंटीकोलिक है, वाइड नेक, बिल्कुल वाइड नेक है, एंटीकोलिक है। इस टीथ में भी ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। वाइड नेक सिलिकॉन स्पाउट है, एंटीकोलिक है। आप इसको ट्रेवल कंटेनर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आप इसका, अगर आपको इसका स्पाउट चेंज करना हो तो आप कैसे चेंज करेंगे। ये भी ईजिली है, आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ये एक लिक्विड फूड ग्रेड सिलिकॉन के साथ बना हुआ है निप्पल है, जो कहीं से भी बेबी के लिए हार्मफुल नहीं है। ये 100% BPA फ्री है, एंटीकोलिक है। आप ईज़िली इसको फिट कर सकते हैं। देखिए, ईज़िली फिट हो गया और आप इसको एज ए स्पाउट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इसकी क्लीनिंग की। आप इसको स्टरलाइज कर सकते हैं, वाइट नेक होने के कारण आप इजीली इसमें ब्रश के साथ इसको वॉश कर सकते हैं। वाइट नेक है आपको, कोई नैरो नेक नहीं है जो आपको ब्रश के साथ प्रॉब्लम होगी, और इतनी गहरी बोतल भी नहीं है क्योंकि इसको चौड़ा बनाया गया है। आप इजीली इसको स्टरलाइज कर सकते हैं, डिश वॉशर सेफ है, आप इसको डिश वॉश भी कर सकते हैं, किसी भी ब्रश के साथ आप इसको वॉश कर सकते हैं। जो भी पेरेंट्स इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स बडी एक बहुत अच्छा पॉपुलर ब्रांड है, जो भी पेरेंट्स इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो अपने फीडबैक और उनकी क्या क्वेरीज हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्या वो दोनों तीनों फंक्शन को यूज़ कर पा रहे हैं, स्पाउट को, बॉटल को और ट्रैवल कंटेनर को? ट्रैवल कंटेनर मोस्टली हर बॉटल्स में नहीं मिलता है, लेकिन आप इसको ईज़िली ट्रैवल कंटेनर में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक या वारंटी क्लेम के लिए इसका कंपनी के कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ईज़िली देख सकते हैं। आपको ये बॉटल कैसी लगी, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें ताकि और पेरेंट्स को इसे बाय करने में आसानी हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी इसको लेना चाहें वो परचेज़ करना चाहें कर सकते हैं। इससे जुड़ी कोई अदर क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।